अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं यहाँ न्यूज़ीलैंड में होता हूँ। अभी बस थोड़ी देर पहले मैं कुछ स्नैपचैट्स देख रहा था, जुनेद अकरम की भी देखी और इरफान जुनेजो की भी देखी। हाँ भाई, क्या हाल है यार? आप में से बहुत से लोग पूछते हैं आप सारा दिन घर पे होते हैं या गाड़ी में घूम रहे होते हैं, आप काम क्या करते हैं? भाई यही मेरा काम है, उनको तो बता दो। फिर वो कहते हैं अच्छा तो देन हाउ डू यू मेक मनी? यू गाइज मेक मी मनी, मैं थोड़ी कुछ करता, मतलब मैं करता हूँ ऑब्वियसली। देखें, आपको फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रही है, यू डोंट हैव टू पे टू वॉच माई वीडियोज और माई स्नैपचैट। या तो एक दुनिया का बड़ा आसान सा रूल है, इफ यू नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। तो आप हैं प्रोडक्ट, आप मुझे पैसा बना के देते हैं। कैसे? बाय व्यूइंग माई स्नैपचैट, बाय व्यूइंग माई वीडियोज। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं हमने भी व्लॉगिंग करनी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल करें यार, फोन आपके पास भी है जो फोन मेरे पास है, बस कॉन्टेंट पे ध्यान दें। आजकल मैं बहुत सारे व्लॉग्स देख रहा हूँ और ज्यादातर जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं आई रियली एडमायर देयर वर्क, मगर मुझे एक चीज फील हुई, हर कोई ना वो जुनेजो बनना चाह रहा है। कि एक ही थीम होती है, जैसे जुनेजो की थीम होती है ना, वैसे नाइस सेक्सी सा ट्रैक होता है, शॉर्ट्स होते हैं, गिम्बल के शॉर्ट्स होते हैं, ड्रोन शॉर्ट्स होते हैं, वो सब वही कर रहे हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि वो कॉन्टेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, देर फोकसिंग मोर ऑन हाउ द व्लॉग लुक्स लाइक रादर देन व्हाट्स इन द व्लॉग। बाकी इट्स अप टू हाउ यू सेल योरसेल्फ, हाउ यू प्राइस योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी प्राइस अच्छी तरह सेट करनी है और अपने आप को जान के, अपने टैलेंट को जान के। इफ यू सेल योरसेल्फ शॉर्ट, देखिए दुनिया बड़ी छोटी है, कराची में 620 एजेंसी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब बातें करते हैं, अच्छा भी फलाना इतने में लेता है, इसको इतने में ही तोड़ना। यार अभी मैं जुनेद भाई की स्नैप्स देख रहा था, जुनेद अकरम की, पहली दफ़ा जुनेद भाई की स्नैप पे अपना नाम सुना है मैंने पहले, तो बड़ी खुशी हो रही है यार। आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो भी बात की वो आप उनकी स्नैप पे देख लें जाके। मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूँ, विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस स्नैप। लेकिन मैं कहाँ डिसएग्री करता हूँ बता रहा हूँ। जहाँ तक बात आती है मोनेटाइज करने की ना, वहाँ पे आई डिसएग्री विद जुनेद भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते ना कि आप ब्रांड्स को अपनी टर्म पे पैसे बता सकें कि मैं लाखों रुपए लूँगा और ये लाख वो लाख, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप छोटे क्रिएटर होते हैं ना, तो अगर ब्रांड आपके पास कोई आता है या एजेंसी आती है आपसे पूछते हैं कि हाउ मच डू यू चार्ज, आप बोले मैं चार्ज करूँगा 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो वो आपसे कॉस्ट ब्रेक डाउन मांगते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ ब्रांड, पीपल डोंट नो यू, आपकी फॉलोइंग 10-15 हज़ार लोग हैं आपके पास, तो यू नो, तो तब आप ऐसे नहीं मांग सकते ज़्यादा। लेकिन मैंने मांगे और मुझे मिले, क्योंकि मूरू भाई ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी विच आई विल शेयर विद यू। तो आप ब्रांड्स या एजेंसीज को कॉस्ट ब्रेक डाउन ये देते हैं कि मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इसका आप रेंट जाके एक दिन का मार्केट में पूछें, वो इसमें शामिल है। जो माइक यूज़ कर रहा हूँ उसका रेंट भी शामिल है, जो ड्रोन यूज़ हो रहा है, जो गिम्बल यूज़ हो रहा है उसका रेंट भी शामिल है। इसके अलावा आप किसी एडिटर से एक शिफ्ट लगवाते हैं, एक शिफ्ट होती है 8-10 घंटे की, वो एडिटर जितने पैसे लेता है, नॉर्मल एडिटर, कोई हाई फाई एडिटर नहीं, उसके पैसे भी इसमें शामिल है। अदर देन दैट आई एम इन इट वीडियो, इन आई एम इन द वीडियो टैलेंट जो होता है, देन आई एम होस्टिंग इट ऑन माई प्लेटफॉर्म, ये सारी सर्विसेज के पैसे कंबाइन करके वो पैसे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, मंजन ऑफ शब्बक है। तो वो दोनों ही ये जो है, पहले तो जुनेद अकरम बात कर रहे थे कि आजकल नए जो लोग हैं वो कैसे स्नैप स्टोरीज और व्लॉग बनाते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट की बात कर रहा था और वो उसके अंदर बात कर रहा था कि जितनी भी एडिशनल, यानी कि मिर्च मसाला, यानी कि अच्छे कैमरे, ड्रोन और यू नो व्हाट नॉट, एडिटिंग, आई मैक, जितनी भी सब चीज़ें वो ऐड ऑन होती है, लेकिन कंटेंट नहीं होता। कंटेंट पे ख्याल रखें, भले आपके पास सिर्फ सेल फोन ही हो, भले कोई सा ही फ़ोन हो, सैमसंग हो, कुछ भी हो, एप्पल हो, तो वो भी बिल्कुल बात सही है। और अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि अपना जो है दुबई से वो इसने स्टार्ट किया और देखें आज वो कहाँ है माशाल्लाह। और उसके अगेंस्ट में अभी थोड़ी देर पहले इरफान जुनेजो ने उसको आंसर दिया कि भाई वो सब बातें सही हैं, मतलब सब ठीक हैं, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ बात होती है कि जब आप थोड़े से बड़े बन जाते हो और जब आप पैसे मांगते हो, तो ये नहीं होता कि जुनेद बात कर रहा था कि एड एजेंसी जो है वो उसको, उनको तोड़ लेगी कि भाई ये इतने पैसे लेता है और इतने में तोड़ जाएगा, वो टूटेगा जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई जुनेद
आप जो हो, आपने तो भाई कहाँ से काम स्टार्ट किया? आप तो सिर्फ स्नैप स्टोरीज करते हो या थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन आपकी माशाल्लाह से गुडविल इतनी अच्छी हो गई है क्योंकि आपका जो स्टाइल है ना, उसको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टाइल को ड्रोन की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टाइल को सेक्सी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, वर्सेस इरफान जुनेजो जो है, जो काम वो करता है वो उन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, और फिर वो कंटेंट भी ऐसा देख के ही बनाता है। अब माशाल्लाह से कहाँ से है उसको, आप दोनों को ही हम फॉलो कर रहे हैं शुरू से ही एज ए स्टार्ट। आपको तो पर्सनली मैं जानता भी हूँ किसी रेफरेंस से, दोनों इरफान को भी, मतलब पर्सनल मैसेजेस के साथ, आई मीन आई थिंक बोथ ऑफ यू नो मी, बट वही वाली बात है कि आपका अपना स्टाइल है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भाई। और इरफान खाली, अगर आप इरफान जो है वो आपका स्टाइल नहीं ला सकता, तो मसला यही है सारा कि जो जिस अपने स्टाइल में अचीव कर लेता है वो वहीं पर रहता है। अब जिस जिन जिन ओकेजन्स पे और जिन आउटिंग्स पे आप जाते हो जुनेद, उन आउटिंग्स पे इरफान भी जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो फोकस है वो और दूसरी तरफ है, वो जो है व्लॉगिंग और इन सब चीज़ों को। तो जो उसको फॉलो करता है, जाहिर है उनकी उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई हम भी ड्रोन लें, हम भी कैमरे लें। मेरा नहीं ख्याल इरफान जुनेद से कोई पूछता होगा कि यार कैमरे के बारे में बताओ, ड्रोन के बारे में बताओ, क्योंकि आप यूज़ ही नहीं करते और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो भी आपको हायर करेगा अपने इवेंट के लिए बात करने के लिए, तो वो उसको पता है कि आपके क्या प्राइस हैं, वो आपको वही पैसे देगा, ना कि वो बंदा जिससे बोले कि यार ये मार्केट में इसके इतने प्राइस हैं, इसको इतने में तोड़ लेना। बनिस्बत इरफान के, इरफान ने एक अपनी जगह बना ली है, कहाँ से माशाल्लाह उसने स्टार्ट किया था और कहाँ गया था। और मोरू की जहाँ तक बात करें, मोरू तो भाई ही इज़ वो आप दोनों से ही हटके, मतलब तीनों का अगर काम मिलाया जाए, मैं सबके काम नहीं देखता बेसिकली, मैं सिर्फ आपका काम देखता हूँ, जुनेद का और इरफान आपका मैं काम देखता हूँ और मोरू का भी मैं काम देखता हूँ, तो माशाल्लाह तीनों आप लोग अपना अपना काम कर रहे हो और तीनों अपने अपना, मतलब डिफरेंट स्टाइल है हर एक का। जाहिर है चीज़ें भी ऐड होती हैं, सब चीज़ें, जो कि शाम इदरीस की बात की जुनेद ने कि भाई वो सब कुछ लगाता है तो उसको तो डिकी भाई ने रोस्ट पोस्ट कर दिया। ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल सीख है, वो तो कनाडा में बैठ के उसने अपने इतने सारे जो है वो सब्सक्राइबर बनाए, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे यार, इंडियन पाकिस्तानी, यू नो। लेकिन सब्सक्राइबर से ज़ाहिर है व्यूअरशिप तो एक क्लिक किया तो व्यू हो जाता है ना, अगले ने ये नहीं पता कि कितनी देखी, ऑब्वियसली। लेकिन बात वही है सारी कि कंटेंट किसका अच्छा है, मतलब मेरे जैसा एक न्यूट्रल बंदा बखुद ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं शाम इदरीस की जब से मुझे कुछ थी उसकी, शुरू जब उसने किया अच्छा था, लेकिन अब उसके पास कुछ है नहीं। वीडियो भी मैंने बनाई थी कि यार वो साथ जो है डिकी भाई उसको रोस्ट कर रहा था, लेकिन खाम मखा क्या भैया, छोड़ो, दफ़ा करो, आप अपना काम किए जाओ और हर कोई अपना अपना काम किए जाए। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है, जुनेद का अपना स्टाइल है, इरफान का है, मोरू का है, युखानो है नया आज का लड़का, असद अली, यू नो, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बेस्ट। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, पर वही वाली बात है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वही चीज़ यूज़ करेगा, और जिसका खाली फ़ोन से ही काम हो जाता है जुनेद की तरह, उसको ड्रोन श्रोन नहीं चाहिए ना। तुम्हारा ड्रोन तुम खुद हो भाई इरफान जुनेद, तुम्हारा ड्रोन तुम खुद हो, तुम्हारा कैमरा कैनन का कैमरा और सब चीज़ें तुम खुद हो, तो आपको भाई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है, जो भी नए लोग काम कर रहे हैं वो, जैसा कि इरफान ने भी कहा, किए जाओ, वो पहले भी कहता है, आप भी कहते हो जुनेद, और मोरू भी यही कहता है कि अपना अपना काम किए जाओ। और बात तो वही है कि जिसकी चीज़, ऑब्वियसली कुछ लोग शौक से देखते हैं, मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं कि बाहर ये जितने भी रिपोर्टर हैं वो जा रहे हैं और वो देखते हैं कि भाई किसको वोट दोगे, तो कोई कहता है जी मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा, PMLN को ही दूंगा। ओ भाई 10 साल की सज़ा हो गई उसको, दुनिया ने पता नहीं क्या क्या हो गया, दुनिया ने बोल दिया, पर नहीं, जो जिसने जो करना है वो वही करेगा। तो जिसने जिसकी वीडियो देखनी हो उसी की देखेगा, भले उसको अच्छी लगे बुरी लगे, क्लिक तो करेगा ही ना, क्लिक करने में क्या आता है, व्यूअरशिप तो आ ही जाती है।
तो बस बहरहाल जिसका जो जो स्टाइल है वो अपना अपना स्टाइल है, और वो लोग जो है वो काम करते रहते हैं। बस आप लोग सब जीते रहो, खुश रहो, जुनेद हो, इरफान हो, मोरू हो, युखानो हो, असद हो, और ये जितने भी और हमारे दूसरे लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली हर एक को तो नहीं देखते इतना शौक से, लेकिन आप लोगों के कंटेंट जो हैं वो इतने लेंदी नहीं होते, कंटेंट होते हैं और अच्छे होते हैं, और टू द पॉइंट बात, अपना थोड़ा सी शोश आ ये वो, मतलब सब कुछ हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला बस अपना ख्याल रखो और लगे रहो दोनों, और जीते रहो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, इंशाल्लाह फिर होती है बात आप लोगों से। लव यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।